हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल सुपर हेल्दी सुपर क्रिस्पी केले के चिप्स की रेसिपी। अगर आप आलू के चिप्स खाकर बोर हो गए हैं तो एक बार इंस्टेंट मिनटों में बनने वाले केले के चिप्स जरूर ट्राई कीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आज हम इन्हें बनाएंगे कुछ खास टिप्स के साथ। तो सुपर टेस्टी केले के चिप्स बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ लिए हैं 3 कच्चे केले, और 3 कच्चे केले से मिनटों में ढेरों चिप्स बनकर तैयार होंगे। तो चलिए इन्हें कैसे बनाना है देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 3 बड़े चम्मच पानी, और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच नमक, और अच्छे से मिक्स करेंगे। इस नमक के पानी को हमें कहाँ यूज करना है मैं आगे आपको बताती हूँ। इसे हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमने केले लिए थे, हमें एक केला ले रहे हैं। केले को सबसे पहले हम छीलेंगे। केले के चिप्स बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे हम, जब आप 3-4 केले के चिप्स बना रहे हैं तो एक साथ केले को बिल्कुल भी छील कर नहीं रखेंगे। अगर आप एक साथ केले को छील लेंगे तो केले काले पड़ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर 1 केले को छील लिया है, और सबसे पहले हम इसके चिप्स बनाएंगे। तो चिप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 1 प्लेट, और यहाँ लिया है 1 चिप्स कटर। इस तरह का कटर मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, और अक्सर सभी के घर में ये कटर होता है। तो इस कटर की हेल्प से हम ये चिप्स बनाकर तैयार करेंगे। चिप्स को बनाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि हम चिप्स को ना ही ज़्यादा पतला बनाएंगे, ना ही ज़्यादा मोटा बनाएंगे, मीडियम साइज के हम ये चिप्स बनाएंगे। और ये देखिए इस तरह से, अगर आपके पास इस तरह कोई कटर नहीं है तो आप एक नाइफ की हेल्प से भी चिप्स को बना सकते हैं। बस जब आप नाइफ से चिप्स बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन इस तरह के कटर से मिनटों में ये ढेरों चिप्स बनकर तैयार होंगे। और आप देख सकते हैं 1 केले से कितने सारे चिप्स बनकर तैयार हुए हैं। अब हमने गैस पर ऑयल गर्म होने के रख दिया है। ऑयल मीडियम गर्म होना चाहिए, और मीडियम गर्म ऑयल में हम इन सभी चिप्स को एक एक करके डाल देंगे। चिप्स को ऑयल में फ्राई करते समय एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब हम इन्हें ऑयल में डालेंगे तो एक साथ बिल्कुल भी नहीं डालें। अगर आप एक साथ ये चिप्स डाल देंगे तो सारे चिप्स आपस में चिपक जाएंगे। तो एक एक करके ही हम चिप्स को ऑयल में डालेंगे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे, और जब ये चिप्स 50% कुक हो जाएंगे तो हमने जो ये नमक का पानी बनाया था इसमें से थोड़ा सा पानी हम कढ़ाई के बीच में डाल देंगे। यहाँ पर नमक का पानी डालने से चिप्स में बराबर मात्रा में नमक ऐड हो जाएगा, और चिप्स बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें जो पानी डाला है तो इसमें कितने सारे बबल्स आ रहे हैं। अब हम गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखेंगे, और चिप्स को क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। आप ये केले के चिप्स नवरात्रि में भी खा सकते हैं, और कभी आपका कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स खाने का मन करे तो आप ये केले के चिप्स बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी होते हैं, और मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं ये चिप्स अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह हम सारे चिप्स बनाकर तैयार करेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है ये केले के चिप्स बनाना, और बहुत कम खर्च में आप ढेरों चिप्स बना सकते हैं। अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में ये चिप्स बहुत ही महंगे मिलते हैं, जिन्हें आप घर पर बहुत ही आसान तरीके से मिनटों में बहुत कम खर्च में बना सकते हैं। तो आप भी एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और एक कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं तो चली इन्हें खाने। आप कब बना रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।